आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप जियो का पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बिकास और आप देख रहे हैं बिकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जियो का पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए पहले आपको प्ले स्टोर में जाके माई जियो ऐप्स इंस्टॉल कर लेना है। माई जियो ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर देकर लॉग इन करना है। ऐसा नहीं है जो आप जियो का ही मोबाइल नंबर यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी एक मोबाइल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं जो आपका परमानेंट है। इसके बाद मोबाइल नंबर देने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी देके लॉगिन हो जाइएगा। ओटीपी नहीं आएगा तो आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी अगेन ले सकते हैं। इसके बाद आपको ऐप का फोन में ही दिखाई देगा बैंक का ऑप्शन, बैंक पे क्लिक करना है। बैंक पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको अगेन आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद SMS वेरिफिकेशन के थ्रू आपका डिवाइस को जो है वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपको बताएगा आपका जो पासकोड है वो एंटर करने के लिए। ज़्यादातर लोग पासकोड भूल चुके हैं, नहीं तो एक पासकोड देने के लिए बताते हैं। तो एक पासकोड आपको देना है, और पासकोड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासकोड पे क्लिक करके आप अपना पासकोड को फॉरगेट कर सकते हैं। आपको अपना पासकोड देके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको ऊपर में दिखाई देगा क्रिएट जियो पेमेंट बैंक अकाउंट, उधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अगेन मोबाइल नंबर डालने के लिए बताएगा, आपका मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस भी देना पड़ेगा। दोनों देने के बाद, दोनों जो है ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू होता है, दोनों ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको जियो पेमेंट बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एग्री ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। इसके बाद आपको इधर दो बैंक का ऑप्शन देता है, एक है विदाउट डेबिट कार्ड में अकाउंट और डेबिट कार्ड अकाउंट। जो भी चूज करना है चूज कर सकते हैं, बट मेरे को डेबिट कार्ड का जरूरत है, डेबिट कार्ड इसलिए मैं करूंगा, तो इसलिए मैं डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज किया हूँ। दोनों का जो चार्ज है वो फ्री है। डेबिट कार्ड चूज किया हूँ, रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। रुपए डेबिट कार्ड चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको इधर पैन कार्ड एंटर करना है। पैन कार्ड एंटर करने के ठीक नीचे में है आधार कार्ड एंटर। इसके बाद आपको इधर अपना पर्सनल जो डिटेल्स है वो एंटर करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो एंटर करना है। ऊपर में पैन कार्ड नंबर देना है और नीचे में आपका आधार नंबर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, आपको एक फोटो पिक करना है, जो आपका सेल्फी है, आपका खुद का एक सेल्फी पिक करना है। पिक करने के बाद आपको इधर अपना फैमिली डिटेल्स देना है, आप मैरिड है कि नहीं, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब देना है। देने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद आपका जो फाइनेंस डिटेल्स है वो देना है, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस करते हैं, ये सब जो है वो आपको देना है। उसके बाद आप कितना तक इनकम करते हैं वो भी देना है। आप इनकम नहीं करते हैं तो आप जीरो से चूज कर सकते हैं, जीरो से शायद 50K तक एक ऑप्शन है वो दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको इधर पूरा डिटेल्स दिखाएगा, जो आपने क्या क्या फिलअप किए हैं, क्या क्या डिटेल्स दिए हैं रिव्यू करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट करना है, दिखाएगा आपका जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड के ऊपर जो नाम प्रिंटेड होगा वो नाम दिखाएगा और नीचे में टिक रहेगा, उस टिक में क्लिक करने के बाद एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू ये जो वेरिफिकेशन होगा, आपका ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है, उसके साथ आपको एलोन ही रहना है, मतलब खुद ही रहिए उधर और किसी दूसरे पर्सन को मत रखिए। इसके बाद आपको स्टार्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप लेटर भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा आप वीडियो कॉल तभी कर लीजिएगा। इसका जो एजेंट अवेलेबल रहता है सुबह 8:30 बजे से रात का 8:30 बजे तक रहते हैं, जब मैंने किया था। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एग्री पे क्लिक करना है, स्टार्ट वीडियो कॉल क्लिक करना है। इसके बाद आपको दिखाएगा कितना टाइम के बाद आपका है एजेंट कनेक्ट हो सकता है। मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था, उस टाइम में बहुत सारा लोग था, उसके बाद कनेक्ट हो गया। मेरे को पूछा गया था आपने जो जो फिलअप किए हैं वो मेरे को बताइए, येस और नो में बताना है, तो येस और नो में आप बता दीजिएगा क्या क्या फिलअप किए हैं। उसके बाद आपका पैन कार्ड दिखाना है, पैन कार्ड दिखाने के बाद जो आपका जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना पासकोड देके आप अगेन बैंक में लॉगिन करके बैंक का जो फैसिलिटी है उठा सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम जो है 24 आवर्स लगता है वेरिफिकेशन के थ्रू, और किसी वजह से आप वेरिफिकेशन नहीं होता है वीडियो वेरिफिकेशन, तो आप अगेन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरफ से आप एक नया जियो पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।